किया है रोज। ओ माय गॉड, फ्री। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो टुडेस वीडियो इज गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज़ मैं आज के वीडियो में ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ रिगार्डिंग अ वेबसाइट कॉल्ड अली एक्सप्रेस। सो यस, ये एक इंटरनेशनल वेबसाइट है। अगर आपको नहीं पता हो तो कंट्रीज वर्ल्ड वाइड कैन प्लेस देयर ऑर्डर एंड ऑब्वियसली सिंस इंटरनेशनल वेबसाइट है तो शिपिंग करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो अली एक्सप्रेस यूजुअली टेक 30-45 डेज टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स टू अस। एंड येस, अली एक्सप्रेस में आपको काफ़ी ज़्यादा चीप आइटम्स मिलेंगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक हॉल करूँ एंड इस हॉल में मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ। उनके सर्विसेज कैसे हैं, वो आइटम्स कैसे डिलीवर करते हैं, प्लस उनके आइटम जैसे उन्होंने पिक्चर में दिया है वैसे ही है या नहीं। तो येस, विदाउट अ फर्दर ड्यू वी शुड जस्ट गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो ट्रायल बेसिस के लिए मैंने मिनी हॉल किया है एंड सरप्राइजिंगली मुझे उनके सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे बिकॉज मैंने टोटल आई थिंक 15 आइटम्स ऑर्डर किए थे एंड उसमें से मुझे सिर्फ 11 आइटम्स डिलीवर हुए हैं। कैन यू गाइज इमेजिन, 15 में से सिर्फ 11 आइटम्स डिलीवर हुए हैं एंड 4 आइटम्स का कोई भी अता पता नहीं। आई डोंट नो आइटम्स के का क्या हुआ है। मैंने क्या किया, मैंने झट से एक कंप्लेंट लॉन्च किया ऑर्डर पे। सो बेसिकली वहाँ पे एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप उस पर्टिकुलर सेलर को फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो एंड एक डिस्प्यूट ओपन कर सकते हो। तो यस, मैंने अपनी तरफ से सेलर को एक फीडबैक भी दिया दैट आई हैव नॉट रिसीव द ऑर्डर एंड प्लीज़ लेट मी नो कि वो ऑर्डर का क्या हुआ है। तो दे हैव रेड द मैसेजेस एंड दे हैव नॉट रिप्लाइड टू मी, सच अ शेम। यस, ये ऑनेस्ट रिव्यू है मेरी तरफ से जो कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से है। आपको दिखाने वाली हूँ फर्स्ट आइटम। आप देख सकते हैं पैकेजिंग कुछ इस तरीके से आती है। पैकेजिंग के लिए मैं बहुत ही बड़ा थम्स डाउन दूंगी बिकॉज इस तरीके का पैकेजिंग कौन करता है, बहुत ही चीप लगता है। एक बड़े से बॉक्स के अंदर ऐसे छोटे छोटे आइटम्स होते तो भी आई वुड हैव गिवन अ ग्रेट रेटिंग, बट येस, सिर्फ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में मुझे अपने पैकेजेस मिले हैं। वो के बाद मिले हैं कुछ 30 डेज के बाद, कुछ 45 डेज के बाद एंड येस, कुछ आइटम्स तो मुझे मिले ही नहीं है। सो येस, मैंने एक हेडबैंड ऑर्डर किया था फ्रॉम अली एक्सप्रेस बिकॉज मैं मेकअप ट्यूटोरियल्स कुछ फिल्म करने वाली, तो आई थॉट एक हेडबैंड, अगर प्रिटी एक हेडबैंड मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। सो येस, मैंने एक हेडबैंड लिया है रोज। ओ माई गॉड, फ्रीक। एज यू गाइज कुड सी, ये आइटम की कंडीशन ऐसी है, आई मीन ये पूरा टेयर हो चुका है ऑलरेडी। एज यू गाइज कुड सी, देखो एक फ्लावर, ये जो यहाँ पे प्लेस होना चाहिए प्रॉपरली, इनके पेटल्स, ये ऑलरेडी टूट चुका है। हाउ कैन दे डिलीवर सच आइटम्स टू देयर कस्टमर्स। क्वालिटी इज ऑल्सो फाइन अकॉर्डिंग टू मी, बट ये क्या, ये ऐसे कौन बेचता है आइटम। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। एंड अगर बात की जाए इस हेडबैंड की, तो मैंने ये हेडबैंड ख़रीदा है फॉर अराउंड रुपीज़, तो आपको ये चीज़ वर्थ लगती है अराउंड 95 रुपीज़ के लिए? मुझे तो डेफिनेटली नहीं। सो मेरे तरफ से ये प्रोडक्ट के लिए थम्स डाउन। सेकेंड प्रोडक्ट भी मैंने ऐसे ही हेडबैंड लिया है, बट ये पूरा प्रॉपर क्वालिटी का है अकॉर्डिंग टू मी, हाई क्वालिटी। एंड एज यू गाइस कुड सी, यहाँ पे पर्पल रोजेस स्टिक किए हैं एक इलास्टिक बैंड में। सो येस, ये रोजेस की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड आई एम थैंकफुल कि एटलीस्ट ये हेडबैंड एक अच्छी क्वालिटी में आया है बिकॉज मैंने इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। 158 रुपीज़ एंड आई थिंक ये हेडबैंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सो येस, आई एम हैप्पी आई इन्वेस्टेड इन दिस एंड इस प्रोडक्ट को मैं देती हूँ एक थम्स अप। जो मैंने ऑर्डर की थी दैट वॉज अ मेटालिक हेडबैंड, अगेन हेयरबैंड की तरह आप पहन सकते हो। सो येस, दिस इज गोल्डन इन कलर एंड येस, आई एम हैप्पी विद द क्वालिटी। क्वालिटी इज रियली गुड, ऐसा चीप मटेरियल का नहीं लग रहा है एंड येस, दिस इज फ्लेक्सिबल। सो
कितना भी बड़ा हेड रहे इट वुड गेट फिटेड इनटू इट वेरी प्रॉपरली. बात करते हैं प्राइस की, तो आई गॉट दिस फॉर रुपीज 23 एंड यस 23 रुपीज के लिए ऐसा एक मेटालिक हेडबैंड इज रियली गुड. सो यस मेरी तरफ से थम्स अप. आइटम इज अगेन अ गोल्डन हेडवेयर बट एज यू गाइस कुड सी इसमें कुछ ऐसे गोल्डन लीव्स है एंड अगेन यहाँ पे एक इलास्टिक बैंड दिया है. सो यस ये हेडबैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बट द ओनली डिसअपॉइंटमेंट मुझे जो है कि यू नो ये बहुत ज़्यादा ऐसे क्रश हो जाते हैं तो ये ऐसे ऊपर नीचे हो जाते हैं. बट फॉर द प्राइस 22 रुपीज आई थिंक इट इज़ वर्थ द बैंड. वेयर इट एंड शो यू गाइस. सो यस इस प्रोडक्ट के लिए आई एम गोइंग टू गिव अ बिग थम्स अप. नेक्स्ट मैंने परचेस किया है एक कैट हेडबैंड. ही कैट हेडबैंड ऑब्वियसली जस्टिफाई करता है एंड इट इज ट्रूली मैचिंग द पिक्चर विच दे हैव शोन ऑन देयर वेबसाइट. एज यू गाइज कुड सी कुछ ग्लिटर मटेरियल्स है इन पिंक कलर. ऑब्वियसली पिंक तो हर गर्ल्स का फेवरेट होता है. सो येस आई थॉट ऑफ बाइंग दिस एंड एज यू गाइज कुड सी द क्वालिटी इज रियली रियली गुड. बात करते हैं प्राइस की. आई थिंक आई गॉट दिस फॉर रुपीज 34. ऑब्वियसली 34 रुपीज के लिए इतना सुंदर हाई क्वालिटी हेडबैंड, येस दैट्स अ गुड डील. येस अ बिग थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट. कुछ डेंटी नेक पीसेस लिए हैं बिकॉज यू गाइज नो अली एक्सप्रेस इज फेमस फॉर इज डेंटी नेक पीस स्पेसिफिकली ज्वेलरी. सो मैंने कुछ ज्वेलरीज या फिर नेक पीसेस पे इन्वेस्ट किया है जस्ट बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ डेंटी नेक पीसेस. सो आई थॉट वाई नॉट इन्वेस्ट देयर. डेंटी नेक पीस मैंने लिया है वो है ऐसे रिंग डेंटी पीस. एज यू गाइज कुड सी ये रिंग तो काफ़ी ज़्यादा स्लीक है and this is golden in color and obviously it is you know ye bahut zyada sleek hai and bahut hi thin hai. so yes mujhe ye dainty neck piece kafi zyada pasand aaya hai. price bhi kafi zyada affordable hai because I got this for 11 rupees. can you guys imagine 11 rupees ko aapko kaun aisa ek sundar sa dainty neck piece de jayega. so yes a big thumbs up for this product. which I have in my hand is this sleek dainty neck piece. एक metallic belt type का है right at the center. so yes quality again it is good. talking about the price, got this for rupees 17 and yes this looks pretty good on me. now talking about the next item, so I have got this clavicle chain. basically you know this is very much different because आपको ये ऐसा ring दिया जाता है and ring के अंदर से आपको ये जो मेटल है या आपको रिंग के अंदर से ऐसे करके पहनना है. द क्वालिटी इज रियली गुड. अगेन द चेन इज रियली गुड एंड टॉकिंग अबाउट सिर्फ एक ही डिसअपॉइंटमेंट है कि यू नो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऊपर नीचे होगा तो यू डोंट नो ये नेक पीस आपके ऊपर कैसा लगेगा. सो टॉकिंग अबाउट द प्राइस, गॉट दिस फॉर रुपीज 11 अगेन. नेक्स्ट नेक पीस मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है because as you guys could see यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा bird है right in the center. तो yes एक flying bird है with this delicate chain. I think ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी. बहुत ही ज़्यादा delicate and sleek piece है. quality really good. also talking about the price because I got this for rupees 24 but I think 24 rupees के लिए इतना छोटा सा tiny bird obviously a good investment. 24 rupees के लिए I think a great deal. a Bohemian earring. so I'm going to unpack it and show it to you guys. so ये ऐसे एक earring है. as you guys could see यहाँ पे कुछ tassels लगाए हैं and some diamond work. so ये भी golden color में है. I thought 20 rupees को मिल रहा है so this is a very cheap bargain deal. अगर मैं picture में देखती हूँ तो picture में ये earring कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी. that's why I thought why not buy it. but then अगर मैं reality में देखूँ तो थोड़ा बहुत similar लग रहा है but I'm not happy with the quality though. so yes मेरी तरफ से a thumbs down for this earring. I hope you guys enjoyed watching it. अगर दू मैं एक final review regarding AliExpress. talking about the cons of AliExpress website. first thing items are delivered really late. there is no good tracking system because you know I have purchased 15 items out of that only 11 items got delivered. बट उसमें से भी अगर आप ट्रैकिंग स्टेटस देखो तो इट इज़ शोइंग कंप्लीटेड.
सेकेंडली इवन इफ यू लॉज अ डिस्प्यूट उसका कुछ नहीं होने वाला. ये सेलर्स आर गोइंग टू जस्ट रीड इट, दे आर नॉट गोइंग टू यू नो टेक अ ग्रेट एक्शन ऑन दैट, बिकॉज उनका यू नो इमेज अगर डाउन हो गया है उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है. सो येस फॉर दैट अ बिग थम्स डाउन. थर्डली आइटम्स आर नॉट गेटिंग डिलीवर्ड इन अ गुड कंडीशन. पैकेजिंग इज रियली रियली बैड, हॉरेंडस पैकेजिंग. के बारे में प्रोज की बात करूँ तो ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग चीप रेट में मिलता है, डेफिनेटली चीप रेट में मिलता है. सेकेंडली आइटम जैसे पिक्चर में दिखते हैं, मोस्ट ऑफ द आइटम्स गॉट डिलीवर्ड टू मी लुक एंड फील इज मोर ऑर लेस द सेम एज शोन इन द पिक्चर. सो येस गुड थिंग, दैट इज अ गुड थिंग अबाउट दिस वेबसाइट एटलीस्ट. एंड आई थिंक मुझे इतने ज़्यादा कोई प्रोज नहीं दिखे इस वेबसाइट के. सो येस मैं हाईली डिसअपॉइंटेड हूँ AliExpress वेबसाइट से. आई एम नॉट गोइंग टू परचेज एनीथिंग इन फ्यूचर and wouldn't recommend you guys as well. So yes, मैंने जितने भी items purchase किए इस haul में, I'm going to leave the link in the description box below. अगर आपको चाहिए तो you can buy from there because obviously cheap rates में है. अगर आप उन पे trust करते हो तो you can go forward and buy it. And yes, that's it for today's video. अगर आपके साथ ऐसी कोई भी story हुई है AliExpress related कि उन्होंने you know items नहीं डिलीवर किए हैं या फिर आइटम्स डिलीवर किए हैं इन बैड कंडीशन या फिर बहुत ही ज़्यादा लेट डिलीवरी दी है, दे आर नॉट रिप्लाइंग टू योर कंप्लेंट्स, देन प्लीज़ लीव योर यू नो रेस्पॉन्सेज इन द कॉमेंट सेक्शन ताकि यू नो ब्रांड तक ये बात पहुँचे. सो आई एम ऑन इंस्टाग्राम एंड माई सोशल हैंडल नेम इज पूजा बेरा. सो यू कैन फॉलो मी आउट देयर एंड हैव अ वन ऑन वन कॉन्वर्जेशन विथ मी. And I'll see you guys really soon. Till then, take care. Bye-bye.